बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स में से चीज़ें डिस्कस कर रहे थे थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू फेसबुक कि आप लोग एग्ज़ाम के बारे में डेट शीट कब आएगी और एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो एग्ज़ाम 28 जून से स्टार्ट हो रहा है उसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कैंपस स्टूडेंट्स के होंगे, सब कैंपस जैसे साहिवाल कैंपस है, लिया कैंपस है, चिन्हौट कैंपस है और हाफजाबाद कैंपस है, और साथ में जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उन सब का एग्जाम 28 से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ एमएससी सेकंड, एमफिल और पीआईडी इंक्लूड नहीं होगी। इसके अलावा बाकी सब क्लासेस बीएस ऑल सेमेस्टर्स एंड एमएससी फाइनल सेमेस्टर्स, एमबीए, बीएससीएस, इसमें सारी क्लासेस इंक्लूड होंगी। जस्ट मास्टर डिग्री के सेकेंड सेमेस्टर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और इसमें कैंपस के, सब कैंपस के और गवर्नमेंट के ऑल एफिलिएट कॉलेज उनके एग्जाम होंगे। सेकेंडली इसमें आ जाता है कि एग्जाम कैसे होंगे। ये एग्जाम आपके ऑनलाइन थ्रू सेफ एग्जाम ब्राउजर होंगे। सेफ एग्जाम ब्राउजर की इसकी मैं इंस्टॉल कैसे करना है, इसमें एग्जाम कैसे देना है, इसकी वीडियो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप उसको इंस्टॉल करने के बारे में देख सकते हैं। और उसके लिए आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और अपना पासवर्ड है, उस कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए 1111 होता है, और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के उनको पासवर्ड उनके कॉलेज की तरफ से मिलता है। इसके बाद थर्डली हम आ जाते हैं जो लैब साथ में आपके कोर्स हैं, जैसे जिनमें प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होगा, वो फिजिकल होगा, और वो टीचर्स आपके डिपार्टमेंट के, आपके गवर्नमेंट कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो आपके वहाँ के टीचर्स और सब कैंपस में, तो वहाँ पर जो आपको स्टडी करा रहे हैं आपका डिपार्टमेंट है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। यानी कि उसके लिए आपने कॉन्टेक्ट करना है अपने कॉलेज से। पहले आपके सारे ये ऑनलाइन एग्जाम होंगे जो कि पेपर वर्क में लिखे हैं। इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा सेकंड आ जाते हैं हम लैब एग्जाम। अब उसके बाद जब ऑनलाइन एग्जाम फिनिश हो जाएंगे उसके बाद जो लैब प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपका डिपार्टमेंट या आपके जो कॉलेज है वो कंडक्ट करवाएगा, और वो एग्जाम सिर्फ एग्जाम ब्राउजर के थ्रू नहीं होगा, वो एग्जाम फिजिकल ही होना है, उसमें वो नहीं होना, ऑनलाइन होगा, सिर्फ फिजिकल होगा थ्रू पेपर शीट्स के थ्रू होगा। और सबसे एंड में हम प्राइवेट एफिलिएट कॉलेजेस हैं उनके जो एग्जाम है अभी शेड्यूल्ड नहीं है, वो जैसे शेड्यूल्ड होंगे वो हम आप लोगों को बता देंगे। प्राइवेट एग्जाम जो एफिलिएटेड कॉलेजेस उनके एग्जाम अभी लेट हैं, मे बी वन जब ये एग्जाम सारे एंड हो जाए उसके बाद वो एग्जाम होंगे। और उसके बारे में आई थिंक जो ये एग्जाम है प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस वो भी ऑनलाइन ही होंगे, जैसे एमएससी सेकंड है इसके एग्जाम भी लेट होंगे और जो प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनके एग्जाम भी लेट होंगे। और जो डेट शीट अभी फाइनल नहीं है, जैसे ही डेट शीट फाइनल होती है आज इवनिंग में शायद टेंटेटिव फाइनल नहीं होगी, वो टेंटेटिव होगी, आज शाम में आ जाती है, कल सुबह में आ जाती है, तो वो मैं डेट शीट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करें, और पिछली बार की तरह मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ कि आपने सिर्फ एग्जाम ब्राउजर यूज करना है, नेट स्पीड और लोड शेडिंग अगर आपके इलाके में हो रही है तो यूपीएस का बैकअप रखें, किसी ऐसी जगह का यूज करें यहाँ पे नेट इंटरनेट क्वालिटी बेटर हो, क्योंकि अब जो जिस भी आपका ये सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, अगर प्रॉब्लम आता है तो आप गेट पे आ सकते हैं, आप क्या कहते हैं उसमें आपके इंटरनेट के स्लो होने की वजह से, लाइट जाने की वजह से, जब आप लाइट चले जाएगी तो फिर आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको उसका रीसेट का एक चांस मिलता है, मगर उस उतने ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जितने आपके क्वेश्चन रह जाते हैं। जैसे आपने एग्जाम दिया, आपने फर्स्ट 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए और आपके 15 मिनट मिलते हैं, तो आपको 15 मिनट ही और मिलेंगे 30 एमसीक्यूज के लिए, और वही 30 एमसीक्यूज और मिलेंगे, और भी एमसीक्यूज आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, और जो पिछले है आपका वो काउंट हो जाएगा। अगर आपने 15 मिनट पूरे कर लिए तो आपको 10 मिनट ही और मिलेंगे, तो आप कोशिश करें कि आप जो है अच्छा कनेक्शन यूज़ करें। अगर लोड शेडिंग का इशू हुआ तो आप कुछ एग्जाम के टाइमिंग कोई ऐसी प्लेस चूज करें कि किसी के अपने रिलेटिव की तरफ जाके या किसी फ्रेंड की तरफ जहाँ पे इंटरनेट का इशू ना हो या लोड शेडिंग का इशू ना हो, यूपीएस कनेक्टेड हो, तो आप लोग वहाँ पे जाएं। गुड लक फॉर योर एग्जाम। डेट शीट जैसे ही आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।